हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, भर भर के कमेंट आ रहा था कि अपने कैमरे के बारे में बताओ। तो गाइस, मैं इतने सारे कमेंट आए, कहते स्लो मोशन हो रहा है, जूम होता है क्या, वाइड एंगल है, बैटरी बैकअप कितना है, बहुत सारे कमेंट आ रहे भर भर के। तो गाइस, मैं आज अपने कैमरे के बारे में बताऊँगा। मोनोपोड भी ले आया हूँ और इससे फेक ड्रोन शॉट बनाऊँगा कि कैसे बनता है। तो आज देखते हैं क्या। और फॉग बिल्कुल भर भर के हो रहा है, तो गाइस पता नहीं फुटेज कैसा है। बिल्कुल अंदर ठंड बहुत तेज हो रही है, तो सुबह सुबह स्टार्ट कर लिया। तो चलिए इसके अंदर। और ये जो फोकस हो रहा है, इसी कैमरे से हो रहा है, देख लो। अभी एक मैं ऊपर से ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, फेक ड्रोन शॉट। तो देखते हैं इसके बाद कैसा शॉट होता है। वॉइस इसलिए नहीं क्लियर आ रहा हूँ कि मैं इसी के बिल्ड, जो माइक है, इसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और काफी दूर है कैमरा, देखो मैंने मोनोपोड लगा रखा है, तो वाइड एंगल ऐसा आएगा मोनोपोड के। और नॉर्मल अगर हाथ में लेते हो तो इतना आएगा एंगल इसका, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और बाकी देखो, मोनोपोड वगैरह ट्राईपोड वगैरह लगाना पड़ेगा, इसके लिए होल्डर है, कैमरा होल्डर, तो उसके लिए पैसे अलग से लगाने पड़ेंगे, बहुत कॉस्टली आता है गाइस। गाइस, स्टेबलाइजेशन के बात करें तो देखो, स्टेबलाइजेशन मैं अभी नॉर्मल चल रहा हूँ। अब मैं भाग रहा हूँ, अब तेज भाग रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन हो रहा है, देख। तो गाइस, इसके अंदर फेस ट्रैकिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ नॉर्मली, तो इसको देखे जा आता हूँ, ये अपना अभी फेस ट्रैक ऑटोमेटिक रोटेट होता है, देखो। ये फेस ट्रैकिंग का काफी अच्छा ऑप्शन है। अब पीछे हल्का फुल्का ब्लर दिख रहा होगा गाइस, ऑटो फेस ट्रैकिंग है ये, ये देखो। जिधर मैं मूव करूंगा ऑटोमेटिक कैमरा गिम्बल भी मूव करता है, ये देखो। तो इसका जो ये फीचर है, सबसे अच्छा फीचर है। बट इसमें एक वो है कि पता नहीं चलता कि फेस एक्चुअल में ट्रैक कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे का फोकस कर लेता है, फेस ब्लर कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे पता नहीं चलता क्योंकि स्क्रीन काफी छोटा है। ये देखो आप, ये देखो, गाइस इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो आराम दो दो घंटे आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर नॉर्मली रेगुलरली रिकॉर्ड करो 2 घंटे, या फिर 2 घंटे 30 मिनट कितना चलता है मेरा बैटरी, तो एक ब्लॉग या आराम से आप अगर ब्लॉग शूट कर रहे हो या फिर कोई वीडियो बना रहे हो, तो 30 मिनट तक के आराम से वीडियो बना सकते हो 30 FPS पे डे लाइट में फुल स्क्रीन करके। और इसका साउंड क्वालिटी जो है, जो मैं बोल रहा हूँ, इसके माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। और इसका जो भी एसेसरीज है आपको लेना पड़ेगा, ग्रीन एरो आपके फेस पे दिख जाएगा कि हाँ भाई ग्रीन एरो आ रहा है, तो आपको लगेगा फेस ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया। बट कभी कभी होता है ना कि बैकग्राउंड का फोकस ले लेता है और फेस का फोकस नहीं लेता, तो कितने वीडियो में ना मैं बोल देता हूँ, उसके बाद मैं जाके घर पे देखता हूँ बड़ी स्क्रीन में, तो बोलता है अरे क्या है, बट मैं डाल देता हूँ, क्योंकि इतना भी नहीं होता, पूरा फेस ब्लर कर देता है। अभी मुझे ये नहीं पता कि फेस ब्लर कर रखा है, अभी बैकग्राउंड का फोकस ले रखा है। ये है कैमरा रिव्यू गाइस, और इसके साथ बहुत सारे एसेसरीज मिलते हैं, आपको अलग से परचेस करना होगा। जैसे ये कैमरा होल्डर हो गया, मैंने मोनोपोड इसलिए लिया है क्योंकि कहीं पे जाते हैं तो इसमें वाइड एंगल नहीं है सबसे। हाथ में मैं कैमरा लेकर रिकॉर्ड करता हूँ, इससे ज़्यादा एंगल नहीं आता, फिर मैं ट्राइपॉड लगा लेता हूँ, ट्राइपॉड लगाने के बाद इतना आ जाता है। कमेंट करते हैं कि गाइस स्लो मोशन बनता है कि नहीं, तो गाइस स्लो मोशन बनता है, इसमें 4K तक का स्लो मोशन बनता है, तो आपको एक स्लो मोशन बना के दिखाता हूँ मैं नॉर्मली। गाइस ये स्लो मोशन था 1080p पे 30 FPS पे स्लो मोशन था, जो अभी मैं आपको टाइम लैप्स दिखाता हूँ, तो टाइम लैप्स देखते हैं। कैमरा के साथ एक छोटा सा केस आता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। केस के साथ एक ये जो गया अडेप्टर आ गया, एक एप्पल का अडेप्टर आता है, एक माइक्रो सी टाइप का आता है जो एंड्रॉयड में आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे SD कार्ड वगैरह लगा सकते हो। कैमरे के केस से बाहर निकालने के बाद इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन होने के बाद एक बार कैमरा रोटेट होता है और इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा छोटा है,
सकते हैं या अभी टाइम लैप पे हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है फ़ोटो वगैरह का, फ़ोटो इतना अच्छा नहीं आता है इसमें। वीडियो में आप देख सकते हो 4K तक 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते। मैं नॉर्मली 1080p पे रिकॉर्ड करता हूँ। इसमें प्रो मोड भी मिल जाता है। अभी जो मेरा फेस का फोकस ले रखा है, जैसे भी मैं करता हूँ, ये देखो मेरे फेस पे ही फोकस है इसका, गिम्बल का। और भी इसके अंदर मोड है जो प्रो मोड है उसके अंदर, और अच्छा एक फीचर है मैं दिखाता हूँ। प्रो मोड है जिससे मैं गिम्बल का जो है ना उसको आराम से वो कर सकते हैं। मैं फ्रंट पे कर लेता हूँ, तो ये प्रो मोड है। प्रो मोड में मैं गिम्बल कैमरा है इसको यहीं से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो पहले फेस ट्रैकिंग हटाना पड़ेगा गाइस, तो फेस ट्रैकिंग हट गया, तो यहाँ से मैं अप डाउन कर सकता हूँ। ये देखो कैमरा, ये अप डाउन हो सकता है आराम से। ये प्रो मोड में है गाइस फीचर। इसके अंदर हमें जूम का ऑप्शन नहीं मिलता कहीं भी, हम इसके जूम नहीं कर सकते। वाइड एंगल भी नहीं है। वाइड एंगल के लिए हम इससे एक लेंस परचेस करना होगा। 1500 रुपये वाइड एंगल लेंस आता है, आप लेंस ले सकते हो, जूम वगैरह नहीं होगा। हाथ में ऐसे लेके इतने पे वीडियो बनाते हो तो आपको ज़्यादा नहीं फेस कट कट के आएगा, पूरा फेस नहीं आएगा। आपको यहाँ पे ट्राईपोड लगाना पड़ेगा, ट्राईपोड तो इसका होल्डर बस यहाँ जो ट्राईपोड में फिक्स होता है वो आपको 500 तक का मिलेगा, लो क्वालिटी का मिलेगा। कम से कम अगर बढ़िया अच्छा लेना चाहते हो तो 1000 रुपये तक का मिलेगा उस होल्डर। गाइस ये था कैमरा रिव्यू, बाकी आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि होता है नहीं होता। गाइस अगर इसके प्राइस के हिसाब से मैं बताऊं तो मैंने 10200 का परचेस किया था, अभी शायद 14-15 हज़ार का मिल रहा है अभी। तो शायद प्राइस के हिसाब से गाइस बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं मिलता है। सीरीज वगैरह बाय कर लेना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। और ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो इसे शूट कर रहा हूँ मैंने इसे, आप देख लेना मेरे 4-5 वीडियो मैंने शूट कर रखे हैं इससे, बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। अभी मैंने नॉर्मल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो फ़ोन की क्वालिटी और इसमें क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी किसी न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।